मैं सूर्य नारायण आज 13.1 का क्वेश्चन को सोल्व करें। तो आइए हम लोग देखते हैं 13.1 के क्वेश्चन। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ गिवन है, इफ पीई प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट 0.6 और पी एफ जो दिया हुआ है वो 0.3 है एंड पी ई ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू दिया हुआ है 0.2। तो फाइंड करना है पी ई बाई एफ एंड पी एफ बाई ई। तो हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि यदि हमको पी ई बाई एफ निकालना रहेगा तो फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जो नीचे में रहेगा पी एफ। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ हमको दिया हुआ है 0.2, ये हो गया 0.2 और पी एफ दिया हुआ है 0.3, ये फाइनल हो गया 2/3 हो गया आंसर। इसी का जो दूसरा नंबर निकालना है कि पी एफ बाई, तो हम लोग यहां पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई में पी ई। तो अब यहां ये जो आपको इंटरसेक्शन वही रहेगा 0.2 और पीई का वैल्यू 0.6 है, तो ये फाइनल आ जाएगा 2/6। जब इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 1/3 हो गया। अब हम लोग सेकेंड को देखिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कंप्यूट करना है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए बाय बी का निकालना है इफ पीबी बराबर, पीबी दिया हुआ है पीबी इक्वल टू 0.5 एंड पी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया हुआ है 0.32। तो अब हम अभी जो फॉर्मूला ऊपर में यूज किए उसके अनुसार निकालना है आपको पी ए बाई बी। तो यहां हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में जो नीचे में रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी। तो यहां ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.32 और पी बी दिया हुआ है 0.5, एक जीरो अपने से रख सकते हैं। तो ये फाइनल जो कट करके आएगा तो ए हो जाएगा 32/5 और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 0.64 आएगा, यही हो गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो 3 में है इफ पी ए इक्वल टू 0.3 और पी बी दिया हुआ है 0.5
एंड पी बी बाई ए यहां दिया हुआ है 0.4। तो फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है पी पहला में पी ए इंटरसेक्शन बी, और सेकेंड फाइंड करना है पी ए बाई बी, और जो थर्ड है फाइंड करना पी ए यूनियन बी। ये तीन प्रश्न हमको इसमें निकालना है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है, तो यहां पे बी बाई ए दिया हुआ है, तो हम लोग ये इसको यूज कर रहे हैं ए और ये। तो देखिए पी बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई में नीचे में ए हो जाएगा पी ए। अब देखिए तो बी बाई ए यहां दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए दिया हुआ है 0.3। अब हम लोग इसके उत्तर निकालेंगे। पी ए 0.8 है, यहां गलत लिखा गया है, तो यहां पी ए 0.8 और इंटरसेक्शन वाला दिया गया पी ए बाई जी बाई दिया 4। तो चलिए अब इसके अनुसार हम लोग यहां पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई जाएगा, तो 0.32 ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, और अच्छा इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, 4 पहले भी क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, वो है पी ए बाई बी। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ऊपर में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई में हो जाएगा पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोग फाइंड की है 3.2, और बी दिया हुआ है देखिए 0.5, तो यहाँ एक जीरो रख सकते हैं। तो फाइनल 32 बाई यहाँ हो गया 50। तो अब हम लोग इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.64 आई होगा। और इसका हम लोग 3 नंबर को देखते हैं, 3 में है ये फाइंड करना। तो यहाँ पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर पी ए हमारा दिया हुआ है 0.8, और पी बी हमारा दिया हुआ है 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है यहां हमारा 0.32। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1.3, ये हो जाएगा 0.32। तो जब सब चेक करने के बाद फाइनल जो है वो आएगा 0. यहां हम लोग एक शून्य रख देंगे 8, ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूएट पी ए इंटरसेक्शन बी इफ पी ए, ये है 2 पी ए इक्वल टू
पी बी इक्वल टू 5/13, 5/13 एंड पी ए बाय बी, ये जो दिया हुआ है ये 2/5। तो अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला चीज हम ये करेंगे, यहां दिया हुआ है पी टू पी ए बाय बी, टू पी ए इक्वल टू दिया हुआ है पी बी, मतलब कि दो पी ए के इक्वल है पी बी और ये फाइनल आया है 5/13। देयरफॉर तो 2PA इक्वल टू हो गया 5/13। तो यहां PA इक्वल टू हो गया तो यहां 30 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26। और इसी तरह से ये PB जो है ये हो गया 5/13। तो दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो पी एक फॉर्मूला जो होता है ना कि ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई हो जाएगा पी बी। तो इसके अनुसार हम लोग हम यहां जो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/5, 2/5 इक्वल टू, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है चलिए, और पी बी दिया हुआ है 5/13। यहां तो 5/13 करेंगे तो ये यहां भी लिख सकते हैं हम कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 और यहां हो जाएगा 5/13। तो ये और ये कट जाएगा, 2/13 जो हो गया आंसर हो गया। लिखिए अब लिख लिए होंगे तो इस तरह को मिटा देते हैं। इसमें हम लोग चाहेंगे तो आगे पी बी निकाल सकते हैं, पी ए एंड बी ये हो जाएगा पी ए और यहां हो जाएगा पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका पी ए जो दिया हुआ है वो है 5/26 और पी बी जो है 5/13 और ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोग ज्ञात किए है 2/13। तो इसको हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 26, ये 5 और ये हो जाएगा 2, 5 ये 10, यहाँ 2
इसको जब करेंगे फिफ्टीन और फिफ्टीन में से टू गया फोर, हाँ तो यहां जब थर्टीन रहते तो फोर होगा ना, तो ये हो गया फिफ्टीन। अब फिफ्टीन पे यहां इलेवन बाई ट्वेंटी सिक्स हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है इफ पी ए इक्वल टू सिक्स बाई इलेवन एंड पी बी इक्वल टू फाइव बाई इलेवन एंड पी ए यूनियन बी इक्वल टू दिया हुआ है सेवन बाई इलेवन। तो यहां पर फाइंड करना है फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो सेकेंड है यहां दिया हुआ है पी ए बाई बी, और थर्ड दिया हुआ है पी बी बाई ए। तो हम लोग इसको यूज करते हैं पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए, और प्लस हो जाएगा पी बी, अब माइनस होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अनुसार ए यूनियन बी हमको दिया हुआ सेवन बाई इलेवन, पी ए है सिक्स बाई इलेवन और पी बी है फाइव बाई इलेवन, और यहां पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो हम लोग इसको इस तरफ ले आए, इसको ये भी लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा इलेवन बाई इलेवन और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग जब इसको ले आएंगे इस तरफ तो पी ए इंटरसेक्शन बी इलेवन बाई इलेवन माइनस सेवन बाई इलेवन, तो यहां हो जाएगा 4 बाई इलेवन। आंसर हो गया। अब हम लोग इसका, तो ये फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है ये निकालना है पी ए बाई बी, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई पी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो यहां हो गया फोर बाई इलेवन, और इसका जो पी बी दिया हुआ है फाइव बाई इलेवन, कट गया फोर बाई फाइव आंसर हो गया। अब यदि हम लोग पी बी यहां पर बी बाई ए फाइंड करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई हो जाएगा पी ए, तो अब यहां ये दिया हुआ है फोर बाई इलेवन और ये हो जाएगा पी बी, देखिए पी बी है फाइव बाई इलेवन, अब पी ए है सिक्स बाई इलेवन, तो यहां ये कट गया फोर बाई सिक्स, काटेंगे तो हो जाएगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री हो गया आंसर। इस तरह से हम आज फाइव तक कंप्लीट किए, और आगे जो प्रश्न है उसको स्टूडेंट खुद करेंगे, यदि उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो आगे हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग आज इस क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद।